मेरे को घर पे बोलू बोलते हैं सभी। ओके बिल्कुल अच्छा भाई, बहुत खुशी है। वही है, प्लेयर को खुशी होती है खेलने का मौका मिलता है, किसी टीम में भी जाओ, हमारे को सभी 12 की 12 टीम इक्वल है। मेरे को कबड्डी खेलते 12-13 साल हो गए रेगुलर, तो उसमें से मैं 3-4 साल तो गांव में प्रैक्टिस किया जो फर्स्ट में, उसके बाद में फिर मैंने 2010 में गांधीनगर गया मैं जयवीर शर्मा के पास, जो गुरु जी हैं उन्हें अच्छी मेहनत कराई, जो गांव में थे पहले संजय नरवाल है, जगदीश नरवाल है, तो बहुत अच्छी मेहनत कराते थे गांव में। उसके बाद में फिर मैं साई में गया, तो जगदीश को साहब ने बोला कैसे अच्छे गांव में कि है कि गांव से अच्छा रहेगा, वहां पे डाइट है या सब कुछ है, रेख देख रखने वाले भी हैं, टाइम टू टाइम है भाई, रेस्ट है, तो गाँव में ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं भाई। वही है कि सुबह मेहनत कर रहे हैं, स्कूल जाना होता है, फिर दोस्तों में इधर उधर भागना होता है, फिर शाम को, इसलिए फिर मैं वहाँ गया रेगुलर। अभी 10 साल हो गए मेरे को कंटिन्यू, तो वहाँ से बहुत कुछ मिला मेरे को। यंग लड़का है अभी, एक अनिल है नरवाल, वो पूछता है कि भाई साहब हमारे को क्या करना पड़ेगा इस लेवल पे पहुँचने के लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या क्या अलग से क्या करना पड़ेगा, डाइट हर चीज़ की जो होते हैं ना कि भाई इस लेवल पर पहुँचने के लिए हम भाई किस चीज़ से क्या क्या और कहाँ कहाँ मेहनत करनी पड़ेगी और किस कोच के नीचे करना पड़ेगा, तो हर चीज़ की पूछताछ करते हैं। हाँ बिल्कुल, सनी देओल लगता है। अच्छा, पूरी फैमिली लगती है, धर्मेंद्र है, सनी देओल है, बबी देओल है, वो ये कि उनको देख के हमारे को भी कबड्डी में जोश आता है, जैसे वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, हमारे को भी अगर भाई कबड्डी में भी ऐसा होता है, ऐसे मूवमेंट है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई फजल भी इतना ही एग्रेसिव और मैं भी, तो कॉर्नर टू कॉर्नर का यही होना चाहिए। डिफेंस में मेरे को लग रहा हमारा बहुत अच्छा डिफेंस है और अच्छा ही करके दिखाएगा।